अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं टॉल ब्रोस टेक चैनल। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में, ये वाली नहीं, दूसरी घड़ी, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच जो है आजकल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो जो आज की हमारी स्मार्ट वॉच है वो है फिटबिट चार्ज 4। बे यार बता के तो दो। तो मेरे पास है फिटबिट चार्ज 4 स्पेशल एडिशन, जो कि इस वक्त यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे एक राजू भाई हैं जिन्होंने हमें ला के दिए, हमारे तक पहुंचाई है ये वॉच। जो हमारे पास वेरिएंट है वो है फिटबिट चार्ज 4 का स्पेशल एडिशन। मैं स्टार्टिंग में बता दूं, स्पेशल एडिशन में सिर्फ स्टैंडर्ड एडिशन से ये फ़र्क है कि इसका स्ट्रैप जो है, अब आप देख रहे होंगे, थोड़ा लग्जरी डिज़ाइन का बना हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है। तो अब इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। यार वो काटने कूटने के लिए कुछ है या फिर नहीं? ओए होए होए, सबसे पहले जी हमारी वॉच, इसके अलावा हम लोग देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। पेपर वर्क, अच्छा ये देखें जी, एक दो एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स हैं इसके साथ। एक तो थोड़ा लंबा स्ट्रैप है, अगर किसी का बाजू बड़ा है, मेरे से, मेरी तो पतली का नहीं है, ये उनके लिए है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये इसके साथ एक्स्ट्रा आता है, जो कि अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन खरीदेंगे तो उसके साथ सिर्फ यही स्ट्रैप आएगा, लेकिन अगर आप स्पेशल एडिशन लेंगे तो उसके साथ एक ये और ये, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सिलिकॉन वाला भी जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी। ओके जी, उसके अलावा है हमारे पास इस वक्त चार्जिंग डॉक। जो चार्जिंग डॉक है वो तो बिल्कुल ही कपड़े लटकाने वाला क्लिप लग रहा है मुझे इस वक्त, लेकिन चलो देखते हैं कैसे इस पर फिट होता है। अच्छा ये मैग्नेटिक नहीं है, ये यहाँ पर आप रखेंगे और इसमें लग जाएगा तो ये चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रैप्स चेंज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बटन टाइप दिया हुआ है जिससे ये अनलॉक हो जाता है, तो ये पहला और ये दूसरा हमें चेंज किया। और अब हम इसमें ये इसके स्टैंडर्ड स्ट्रैप्स जो हैं सिलिकॉन के वो लगाएंगे। लेकिन अगर अभी आप नोट करें ना, तो अब इसकी जो शेप है वो मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, लेकिन जब आप स्पेशल एडिशन लगाते हैं इस पर तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस से आ जाती है जिससे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैशनेबल लगता है। तो मैं तो दिस इज़ माय चॉइस, अगर आपको ये पसंद है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। तो जैसे कि हम घड़ी, सॉरी, इस घड़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन के वाले से बात करूँगा। यूनिसेक्स डिज़ाइन है, तो मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है ये, और स्पेशली विद दिस स्ट्रैप किसी पर भी अच्छी लगेगी, जवाब पर भी। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसमें फिज़िकल कोई बटन नहीं है, यहाँ पे टच सेंसर है, आप इसको प्रेस करेंगे तो हल्का सा वाइब्रेट होगा और उसके बाद पूरा टच स्क्रीन है, कोई और फिज़िकल बटन नहीं है कंपेयर टू इसका ओल्डर वर्जन जिसमें फिज़िकल बटन था। आई मीन फिज़िकल बटन होना, इन माय ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि टच सेंसर इसका क्या कहते हैं उसे, हाँ वही जो इस टच का जो वो है ना, वो मुझे इतना इसका मज़ा नहीं आया। फिजिकल बटन का जो 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 फील होती है ना, वो टच सेंसर में आई डोंट थिंक सो। अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो इसमें इन्होंने किया है फिटबिट वालों, ये है कि इसमें GPS है। फिटबिट के और एक स्मार्ट वॉच को छोड़ के किसी में भी GPS नहीं है। आपको अपना GPS ट्रैकिंग के लिए आपको अपना फ़ोन साथ रखना होता है। एक घड़ी है फिटबिट की, फिटबिट आयोनिक, जो कैलकुलेटर की तरह दिखती है, उसमें GPS है, उसके अलावा और किसी में अब तक GPS नहीं था, और अब GPS इन्होंने रखा है फिटबिट चार्ज 4 में। तो रनर्स के लिए, आउटडोर वर्कआउट के लिए, साइकिलिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, जो अपना फ़ोन साथ नहीं रखना चाहते, तो फिटबिट गॉट योर बैक। और अब बात करेंगे एक्टिव जोन मिनट्स के बारे में, जो रिसेंटली फिटबिट ने इंट्रोड्यूस किया। एक्टिव जोन मिनट्स में ये है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर आपने एक अपना टारगेट रखा है, लेट्स से कि इतनी जब मेरी हार्ट रेट हो जाएगी तो मेरा ये टारगेट है, तो वो आपको बताएगा कि आपके एक्टिव जोन मिनट्स में आपकी कितनी हार्ट रेट थी और आप
उस वक्त वर्कआउट के दौरान आप कार्डियो पे थे या फैट बर्न कर रहे थे, तो वो पूरी डिटेल्स आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। उसके बाद इसमें है स्पॉटिफाई फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्पॉटिफाई प्रीमियम है तो इसमें बिल्ट इन स्पॉटिफाई ऐप है, तो आपको फ़ोन साथ रखने की ज़रूरत नहीं, आप अपना म्यूज़िक ट्रांसफ़र करें और इसको ब्लूटूथ से अपने वायरलेस हेडफोन से कनेक्ट करें एंड यू आर गुड टू गो। इसमें फिर बाकी जो रेगुलर स्मार्ट वॉच फीचर्स होते हैं, जैसे आपके स्टेप काउंट करना, 24/7 हार्ट रेट हो गया, उसके अलावा इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड हैं, जैसे आप वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। तो स्विमिंग में इसकी 50 मीटर जो है वो वाटरप्रूफ है, तो आप इसको शॉवर में पहन के भी जा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो स्क्रीन जो है वो है OLED, साइज़ क्या था, साइज़ चेक करके बताना रे, तुम्हें साइज़ चेक करना था इसका। तो अब हम डिस्प्ले की बात करेंगे, तो स्क्रीन साइज़ है इसका 1.4 इंचेस, और स्क्रीन जो है इसकी ग्रे स्केल है, तो जवाब जैसे लोगों के लिए आसान अल्फाज में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है। तो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसमें तीन मोड्स हैं, डिम, मीडियम और ऑटो। ऑटो में जैसे कि आप बाहर गए, धूप ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस ज़्यादा, जहाँ पर इंडोर में अंधेरे में ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो हम इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्लीप मोड, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सो के जब उठते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, आपको बताता है कि आपकी नींद किस तरह की थी, आपकी नींद की क्वालिटी क्या थी, क्या आप गहरी नींद सोएं, आपका आपको बकायदे लोग स्कोरिंग करेंगे, क्या आउट ऑफ 100 आपकी स्लीप स्कोर जो थी वो 83 थी, 85 थी, 70 थी, कितनी देर आप डीप स्लीप सोते रहें, कितनी देर आप मतलब हिलते जुलते रहें अपने नींद में, और कितनी देर आप जागे रहें, ये सब इसका मोशन ट्रैकर वगैरह के हिसाब से लोग पूरा कैलकुलेट करके आपको एंड रिजल्ट बताते हैं कि भाई इसकी नींद ऐसी थी। फिटबिट कहता है कि इसकी जो बैटरी है वो अप टू 7 डेज है, लेकिन अगर आप GPS ऑन करते हैं तो बाई 70% इसकी बैटरी कम हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाहर रनिंग नहीं कर रहे या फिर साइकिलिंग नहीं कर रहे आउटडोर, तो GPS ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर चार्जर साथ लेके घूमना पड़ेगा। इसमें एक और फीचर जो है वो है फिटबिट पे, तो अगर कहीं पे NFC पेमेंट एक्सेप्टेबल है और आपका बैंक अफिलिएटेड है तो और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये था मेरा फिटबिट चार्ज 4 का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको हमारे रिव्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक मैं ये घड़ी इन्जॉय तो कर लूँ यार अभी पहन के। चलो हाफिज़।